उमर रियाज को शमिता शेट्टी वीकेंड का वार की धमकी देती हुई नजर आई है। जी हाँ, आपने सही सुना, कल से ही वो उमर रियाज से इस बात के लिए लड़ रही हैं कि वो टास्क में अनफेयर थे। हालांकि मैं आपको बता दूं कि कल का जो टास्क था उसमें चार लोग मिलकर साथ खेल रहे थे, तो किसी एक पर्टिकुलर पर्सन का अनफेयर होना बनता ही नहीं था, क्योंकि अगर चार लोग टीम में खेल रहे हैं तो जिम्मेदारी टीम की बनती है, किसी एक इंडिविजुअल की नहीं। लेकिन शमिता अब जो है उमर को वीकेंड का वार की धमकी देती हुई नजर आई। दरअसल बाहर गार्डन एरिया में आज सुबह सुबह शमिता गई, वहां पे विशाल और सब बैठे थे और कह रही थी कि हमें पता ही था कि तुम अफसाना विशाल को ले जाओगे और तुमने जो अनफेयर किया, जिसपे उमर कहते मैंने अनफेयर नहीं किया है, गोल्ड कॉइन्स जो है वो विशाल के ही ज्यादा थे। तो शमिता कहती है मैं इन सारी बातों पर बात ही नहीं करना चाहती हूँ, आने दो वीकेंड का वार। यानी कि सलमान खान और वीकेंड का वार में शिकायत करेंगे वो उमर रियाज की, और इस बारे में वो धमकी देती हुई नजर आई। हालांकि मैं बहुत सरप्राइज हूँ ये सारी कॉन्वर्सेशन देखकर, क्योंकि शमिता जो खुद अनफेयर कर चुकी हैं वो अब उमर पर इस बात से लड़ रही हैं कि वो अनफेयर थे। उमर ये साफ बोलते हुए नजर आए, इससे पहले तुमने भी तो किया है, जिस पर शमिता का ये कहना था मैंने जो भी किया खुलेआम किया है, मैंने कभी भी ऐसा नहीं किया कि छिपा कर किया हो, तुमने सारी चीजें छिपा कर की और तुम पूरे टास्क में अनफेयर थे, एक या दो राउंड नहीं, तुमने हर किसी के साथ अनफेयर किया है। तो उमर का साथ हालांकि विशाल दे रहे थे क्योंकि उमर ने विशाल को चूज किया था, लेकिन मैं बहुत श्योर हूं जब वीकेंड का बाद में ये मुद्दा उठेगा और शमिता अगर उठाती हैं तो टीम जो है उनकी, यानी कि करण साथ में निशांत और तेजस्वी, ये सब जो है उमर का साथ देते हुए नजर आएंगे।